तो आज ना यहाँ पर दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, तो अगर बीच बीच में आपको बिजलियां कड़कने की आवाजें आए ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरी नहीं बादलों की गलती है। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स एक टीवी सीरीज आया करती थी 90s में टिल अर्ली 2000s। आर यू अ फैन ऑफ फ्रेंड्स? आई डोंट नो, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन। आई हैव वॉच्ड फ्रेंड्स मेनी टाइम्स, यू नो आई हैव रिपीटेड द शोज सो मेनी टाइम्स, एंड यू नो दिस वॉज द फ्रेंड्स वॉज अ स्टोरी ऑफ सिक्स फ्रेंड्स। वी हैड जोई, फीबी, रॉस, रेचल, मोनिका एंड चैंडलर, एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट चैंडलर लास्ट ईयर। The actor who played Chandler, Matthew Perry, you know, he passed away last year in 2023. But before that, he had written a book in 2022. And today we are going to talk about that book. But before I start, let me tell you, I have already done a review of another book, another celebrity book on this channel called Unfinished by Priyanka Chopra. So if you've not watched that video, do watch it now. The link will be there in the description box below and also on the I button above. And in fact, there is a separate video on my channel called Books by celebrities, Bollywood celebrities. So I have featured many celebrity books there as well. So do watch that video as well. Uska bhi link aapko niche description box mein mil jayega aur upar I button par bhi. So this is the book by Matthew Perry. It's a memoir. It's his autobiography. It's the story of his life. It's called Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. So this is basically the story of his life, you know, his lifelong struggle with alcohol and drugs, because, you know, he talks about why he became what he became, why there was a childhood trauma attached to his life and that became a lifelong struggle for him. इस कहानी में ना, इस किताब में मैथ्यू पेरी की हर बात आप जानेंगे, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो किस तरह से उनके बचपन में कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, एंड दैट्स हाउ ही लर्न टू क्रैक जोक्स, बिकॉज उन्हें ये लगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखा सकते, बिकॉज उनकी जो माँ है वो अलग से स्ट्रगल करी थी, बिकॉज उनके पापा अचानक उन्हें छोड़कर चले गए दोनों को। और ये सदमा अकेला भी काफी था, लेकिन यू नो चैंडलर यानी कि हमारे मैथ्यू पेरी, ही लर्न टू डील विद दीज सिचुएशंस बाय क्रैकिंग जोक्स, बिकॉज दैट्स व्हाट ही थॉट, दैट मेकिंग एवरीवन लाफ वाज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। दो ही वाज वेरी वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड inside, but he never showed it to anyone, and that's why he got into drugs. So in the book he talks about his childhood, he talks about his friendship with a lot of other people, his bad influence, he talks about how he got into alcohol, how he started using drugs, he talks about his almost encounter with his death. और वो बताते हैं इस कहानी में कि किस तरह से वो बहुत बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बहुत बार उनकी सर्जरीज हुई हैं, एक बार वो कोमा में चले गए थे बहुत सारे दिनों के लिए, और ऐसा एक चमत्कार हुआ कि वो उस कोमा से वापस आए, एंड देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ दैट व्हाई गॉड हैज सेव्ड हिम, देयर मस्ट बी सम पर्पस टू हिज लाइफ। ही ट्राइड टू क्विट बोथ ड्रग्स एंड अल्कोहल सो मेनी टाइम्स बट फेल्ड। समटाइम्स देयर वाज वंस दैट ही स्टेड सोबर फॉर 2 years and he was helping other people. He also talks about friends, of course. He talks about how friends was the biggest success of his life, how it gave him everything, fame, money, power, and a lot of friends that he had for life. But he actually had hidden this problem with these friends also, from these friends also. वो बताते हैं इस किताब में कि किस तरह से रेचल ने जब उन्हें एक दिन अचानक कहा कि हमें पता है कि तुम पी रहे हो, दैट यू नो यू आर ड्रिंकिंग, और उस दिन मैथ्यू पेरी को बहुत बड़ा झटका लगा। तो वो किस तरह से फ्रेंड्स में जाते थे और उनका स्ट्रगल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में चलता रहा, क्योंकि स्पेशली इन पर्सनल लाइफ ही वाज टू स्केयर्ड टू गेट अटैच टू एनीवन, बिकॉज ही हैड दिस फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, बिकॉज ही वाज अबैंडन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, सो ही वाज अबैंडन्ड बाय हिज फादर, सो दैट फियर स्टेड विद हिम। सो एवरी टाइम ही वुड हैव अ रिलेशनशिप विद समबडी एंड you know it would reach a stage where you know you are ready to take the next step, he would step back.
ही वुड ब्रेक अप. इनफैक्ट वो इस किताब में बताते हैं जो यू नो फ्रेंड्स में हमने सुना था उनका जो अफेयर चला था उस वक्त जूलिया रॉबर्ट्स के साथ. यू नो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट अफेयर एंड ही गिव्स एन एक्सप्लेनेशन दैट हाउ ही ब्रोक अप विद जूलिया रॉबर्ट्स बिकॉज ऑफ दिस फियर ओनली. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट हाउ शी हैड अ वेरी वेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन बिकॉज शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हर. और इस किताब में मैथ्यू पेरी ने ये भी बताया है कि उन्हें फ्रेंड्स कैसे मिला. उन्हें पहले दिन से पता था कि जो चैंडलर का कैरेक्टर है फ्रेंड्स में दैट्स हिम, क्योंकि जब भी वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ते थे उन्हें लगता था कि ये तो मैं हूं. यू नो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स इफ यू वॉच्ड फ्रेंड्स बिकॉज आई एम अ ह्यूज एज आई सेड फ्रेंड्स फैन सो आई हैव वॉच्ड इट मेनी टाइम्स. सो देयर इज अ सीन वेयर चैंडलर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एंड ही सेज दैट हाई आई एम चैंडलर एंड आई क्रैक जोक्स व्हेन आई एम अनकंफर्टेबल. आई एम चैंडलर आई मेक जोक्स व्हेन आई एम अनकंफर्टेबल. And that's what he used to do in real life. और अगर आप चैंडलर की बहुत सारी आदतें देखेंगे ना, बहुत सारी बातें शो में सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैथ्यू पेरी है, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये एक्चुअली मैथ्यू पेरी की रियल लाइफ है. एंड ऑफकोर्स यू नो ही केप्ट फाइटिंग विद दिस एडिक्शन बट देन अल्टीमेटली वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर. एंड देर वॉज अ लाइन इन द फ्रेंड सीरियल इफ यू रिमेम्बर देर इज अ सीन जब जो चैंडलर जोई उनके जो मोनिका उनका जो अपार्टमेंट होता है न्यूयॉर्क में उसके नीचे वाले फ्लोर पे जो रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है. और वो क्योंकि हमेशा मिस्टर हैकल्स वो हमेशा अकेले रहते थे तो इन्हें चैंडलर को ये फील होने लगता है कि ही इज ऑल्सो गोइंग टू डाई अलोन. देर इज अ लाइन इन दैट सीरियल वेर ही सेज दैट यू नो वॉट आई एम गोइंग टू डाई अलोन. And that's exactly how happened. We all know how he died. वो अपने bathing tub में डूबते हुए पाए गए थे. Neat. I'm gonna die alone. So if you're a Friends fan, then obviously this is a must read for you. Because if you're a Chandler fan, फिर इस किताब से अच्छा आपको Chandler के बारे में कोई नहीं बता सकता, Matthew Perry के बारे में कोई नहीं बता सकता. लेकिन इसके अलावा ये किताब उन लोगों को भी पढ़नी चाहिए जो नशे करते हैं या फिर जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे. Because this book exactly tells you all the bad effects, all the worst things that could happen to you if you take drugs, if you are addicted to alcohol and any kind of addiction in your life is so bad. And Matthew Perry इस बात को बहुत ही अच्छे से explain करते हैं. In fact, he always talks about the fact that he had everything, money, fame, what not. But he said that उन्हें ऐसा लगता था कि I would exchange this, I would actually happily give it up if I get one day of leading a normal life. So there's a part in the book that I really like where Matthew Perry talks about Robert Downey Jr. because we all know that he was also into drugs and unka bhi addiction kafi khatarnak tha. So he talks about how he could understand and feel what was going on with Robert Downey Jr. So he writes, Robert Downey Jr. talking about his own addiction once said, "It's like I have a gun in my mouth with my fingers on the trigger and I like the taste of the metal. I got it. I understand that. Even on good days when I'm sober and I'm looking forward, it's still with me all the time. There's still a gun." And of course, he keeps referring to his favorite character, Batman, all the time in the book. And if you're a Matthew Perry fan, then definitely this book is an eye-opener for you. You will realize that what he was doing when, we see all the bloopers of Friends and we laugh at Chandler's jokes, we understand his sarcasm, but what was he going through when he was performing in those scenes? So if you want to know the real Matthew Perry, then definitely you should pick this book up. So I hope you like this review. If you do, then please make sure you share it with all the book lovers you have in your life. In fact, all the Friends TV series, lovers and fans that you have in your life. And I'll see you soon in my next video. Till then, please keep reading and please keep smiling.